सिद्धार्थनगर से अरुण शुक्ला की रिपोर्ट। पुलिस का अमानवीय चेहरा आया बाहर, मानसिक विक्षिप्त युवक को पुलिसकर्मी बेरहमी से रहे हैं मारपीट। सिद्धार्थनगर जिले के ढेबरुआ थाना क्षेत्र के तुलसियापुर चौराहे पर पुलिसकर्मियों का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मानसिक विक्षिप्त युवक को पुलिसकर्मी बेरहमी से मार पीट रहे हैं। वही इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी जांच के बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले के तुलसियापुर चौराहे पर पुलिसकर्मी जिस युवक को पीट रहे हैं वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है और विक्षिप्त होने की वजह से उसने किसी युवती को कुछ कह दिया था, जिसकी जानकारी होने पर पुलिसकर्मी कानून को ताक पर रखते हुए चौराहे पर इस युवक को खुलेआम जमकर पीटने लगे। यह वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। मामला 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर जब हमने पीड़ित युवक के परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जब वह ढेबरुआ थाने में थाना प्रभारी से शिकायत करने पहुंचे तो थानेदार ने परिजनों के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कहकर धमकाने लगे। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जब मीडिया कर्मियों ने इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी से बात की तब इन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही की बात कह रहे हैं। पुरवा थाना क्षेत्र के तुलसियापुर चौराहे पे एक व्यक्ति को मारा पीटा गया है। सर पूरा प्रकरण क्या है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है? थाना ढेबरुआ से संबंधित सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें आरक्षियों के मारपीट की बात कही गई। घटना का संज्ञान लिया गया। प्रथम दृष्टया 2 आरक्षी जो इस घटना से संबंधित थे उन्हें निलंबित करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। लड़के को मारा पीटा गया, कौन मारा है? पुलिस ने मारा है। का है? ऐसे हाँ, आपके भाई के साथ घटना हुई, मारा पीटा गया पुलिस के द्वारा, क्या मामला था, क्यों मारा है? सर उसका दिमाग की हालत खराब था और सुबह में उठ करके बाहर गया और किसी को मतलब कुछ छेड़ने लगा। उसके बाद में अनिल अग्रहारी ने उसको पुलिस को फोन किया, पुलिस आया, उसके बाद में उसको मारने लगे। सर यही है, इतने बुरे तरीके से मार दिया था। अच्छा, इसकी शिकायत क्या आप लोगों ने अधिकारियों से की, कुछ इस तरह से, उनका क्या कहना इस बारे में? जी सर, इसके जो मारे पीटे हैं इसकी शिकायत आपने पुलिस के अधिकारियों से की, अब उन वो क्या कर रहे हैं, क्या कहना? सर वहाँ पे एप्लीकेशन डाले थे, फिर वहाँ पे गए कि हमारा डॉक्टरी करवा दीजिए। वहाँ पे फिर धमकी देने लगे कि अभी तुम्हारे नाम से मुकदमा कर देंगे। यही है। कौन धमकी दे रहा है? अच्छा ये बताइए, आपके भाई को पुलिस ने मारा पीटा है, क्यों मारा पीटा है? भैया दिमाग को गर्म सट रहा, भैया घर से बाहर निकल गया भैया, किसी बात को मतलब कुछ गाड़ी जा रही थी रुका था, मतलब उसको रस्ते में पुलिस अनिल फोन कर दिया, फोन करके भैया बुलवा लिया और पुलिस लागे मारे डंडा भैया, तो हमको खबर दिए हम सटर खोलते गए, तब भी हमारे सामने करेंट को बांधो, उसके बाद मारना शुरू कर दिए भैया, इतना मार दिए कि भैया मर गया, हमारी काम नहीं किए, इतना मारे हमने हाथ जोड़ के कान पीड़े तक जाके भैया छोड़ दीजिए मेरे भाई को, लेकिन तब भी नहीं छोड़े भैया, और रस्सी से बनवाए उसके बाद में पीटे, कई ताले तबाहे चबा रहे हैं उसका, ऐसे भैया कर रहे हैं भैया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, अब टाइम का घटना है भैया, अभी तक भाई आप नहीं किए भैया। अच्छा ये बताइए क्या आपके भाई का दिमाग कम है इस तरह? दिमाग अपसेट है भैया उसका, दवा कर रहे हैं, गोरखपुर पे दवा इलाज हो रहा है भैया उसका, हम बहुत परेशान है भैया दवा करते करते। अच्छा पुलिस, इसकी शिकायत आपने पुलिस की में की, तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस मतलब कहे कि दवा करवाओ, उसको नहीं कहे भैया, अब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई भैया, कोई कार्रवाई नहीं हुई भैया, हम गए वहाँ अभी तो कुछ नहीं हुआ भैया, इधर से उधर कर रहे हैं और दवा करवाने के लिए मेडिकल के लिए कहे, तब भी कहे अभी कुछ नहीं हो पाएगा, घटना भैया।